start our 8th question, that is, a door of length 2 meter and breadth 1 meter is fitted in a wall. कि एक door है, जिसकी length and breadth we have given, is fitted in a wall. ये हमारे पास wall है. Wall में एक आपने क्या लगा हुआ? Door लगा हुआ है. Its dimensions are length is 2 meter and breadth is 1 meter. आपको length and breadth दी हुई है, ठीक है? 2 and 1 dimensions are given. And the length and breadth of wall are 4.5 and और wall की length breadth दी हुई है 4.5 and 3.6 meter. So आपको क्या find out करना? Find the cost of whitewashing the wall. हमने wall को whitewash करवाना है. If the rate of whitewashing is ₹20 पर मीटर स्क्वायर, तो वॉल को पेंट करने का जो रेट है वो क्या 20 रुपीस पर मीटर स्क्वायर. तो इसका मतलब हमें पहले पता होना चाहिए कि वॉल में कितना एरिया हमें पेंट कराना है. जब हम वॉल को पेंट करवाते हैं तो इसमें डोर तो नहीं आता, मीन्स हमें ये डोर जो है वो नहीं लेनी. हमने इस डोर को पेंट नहीं करना, हमें ये बाकी जो वॉल है उसको पेंट करना है. तो हम क्या करेंगे, डोर का एरिया वॉल के एरिया में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे पहले कि हमने कितना एरिया पेंट करवाना है. क्लियर? So firstly we have length of door is this, breadth of door is 1 meter, so area of door, this is rectangular shape, so area of rectangle kya hota hai, length multiply breadth, so area of door is 2 into 1, that is 2 meter square. ye hamara aage door ka area. ab hamare paas wall ki length di hui hai, breadth of wall di hui hai, so area of wall kya aayega hamara, area of wall is, this is also rectangular shape, length into breadth, so 4.5 into 3.6, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे सो इट बिकम्स 620. अब 1 और 2 डेसिमल का कितने इज है 1 एंड 2, सो 1 2 2 इज छोड़ने वाला डेसिमल 16.20 मीटर स्क्वायर. क्लियर? 45 को 36 से मल्टीप्लाई करिए, न्यूमेरिकल डेसिमल्स आप बाद में लगाइए, 1 डिजिट 2 डिजिट, 2 डिजिट का डेसिमल के बाद 2 डिजिट छोड़ के राइट से देन प्लेस द डेसिमल. क्लियर? ये हमारा हो वॉल का एरिया. अब एरिया टू बी वाइट वॉश कि वॉल का कितना एरिया वाइट वॉश करना है. एरिया ऑफ वॉल टू बी वाइट वॉश कि जितना हमने वॉल का एरिया वाइट वॉश करना है, क्या करेंगे, एरिया ऑफ वॉल में से एरिया ऑफ डोर हम माइनस करेंगे. एरिया ऑफ डोर हमने माइनस कर दिया, एरिया ऑफ वॉल, वॉल के एरिया क्या हमारा 16.20 मीटर स्क्वायर, वॉल का एरिया है 2 यूनिट्स 2 मीटर स्क्वायर. पूरी वैल्यू जो होती है होल नंबर या नेचुरल नंबर जो भी होता है उसको हम क्या करें, डेसिमल के लेफ्ट साइड में रखते हैं, दैट इज 2, और डेसिमल फिर पीछे क्या आ जाएंगे 00 मीटर स्क्वायर. तो कितना आ गया हमारा 14.20 मीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ वॉल व्हिच इज व्हाइट वॉश. क्लियर? कि हमें ये साइड वाला एरिया जो है व्हाइट वॉश करवाना है. अब हमारी कॉस्ट, रेट ऑफ कॉस्ट क्या है, रेट ऑफ कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या है ₹20, सो टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग की टोटल कॉस्ट हमारी क्या आएगी, हमने कितना एरिया व्हाइट वॉश करवाना है 14.20 मीटर स्क्वायर, तो उसको क्या करेंगे 14.20 को ₹20 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्लियर? सो 1 एंड 2 2 जीरोस हैं, 2 जीरोस आ गई हमारी, फिर 2 2 आर 4, 2 4 आर 8, 2 1 आर 2, और डेसिमल्स 1 एंड 2 दो छोर पे डेसिमल है 1 2 डेसिमल, और ये कॉस्ट है, कॉस्ट आ गई इन ₹, ये हमारी कॉस्ट आ गई दैट इज ₹284. क्लियर? I repeat it again. Firstly, you have to find the area of door, area of wall. अब हमें wall को white wash कराना है. तो क्या करेंगे? कितना area white wash होगा? Area of wall में से area of door आप minus कर दोगे. वो हमारा आ गया area of wall which is white wash. तो हमने white wash करवाना है. ठीक है? अब cost हमारी क्या है? ₹20 per meter square से. तो हमारा कितने में paint होना है? 14.20. तो उसकी cost क्या होगी? ₹20 से हम उसको multiply करेंगे. So this is our answer. Clear?